जैसे परफेक्ट मिसेस इंडिया हुआ, परफेक्ट मिस हुआ, परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीम्स हुआ, तो वी डिसाइडेड यानी शी डिसाइडेड कि लेट अस गो फॉर चैम्प्स ऑफ इंडिया यानी परफेक्ट चैम्प्स ऑफ इंडिया। तो इसका निर्माण हुआ और सब बच्चों का ऑडिशन हुआ एंड रिजल्ट इज हियर। बच्चों के साथ में काम करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हम इनके साथ में अगर ट्रेनिंग में ग्रूमिंग में इनको जो सिखाते हैं तो उनका अगर मन नहीं करेगा तो उन्होंने जितनी कोरियोग्राफी की दे वे लाइक हमें पसंद नहीं है। सो बच्चे के साथ में आर्ग्यू नहीं कर सकते, बच्चों के साथ बच्चा बनना ही अकलमंदी था एंड दिस इज हाउ दे हैव ट्रेंड देमसेल्फ। सो दे आर सुपर टैलेंटेड, उन्होंने अपने खुद के हिसाब से पोजेस दिए हैं, उनको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं थी। बच्चों से सच में बहुत मेहनत करवाई है, 5 साल 6 साल के बच्चों को थोड़ा एंटरटेन सिखाना, वो करना और कॉन्फिडेंस देना थोड़ा टफ हो जाता है। दे आर एक्चुअली उन लोगों के पीछे भाग भाग के उनको पेरेंट्स को कॉल कर करके बुला रहे थे कि यार प्लीज़ कुछ करना है, और बच्चों ने फिर जाके समझ में आई प्यार से कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट इन दोनों ने बहुत मेहनत कराई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। परफेक्ट चैम्प्स ऑफ इंडिया में एक ऐसा पहला इवेंट है जो बच्चों के अपकमिंग न्यू जनरेशन के बारे में सोच रहे, दिस इज अ रेवोल्यूशन, दिस इज अ एवोल्यूशनरी इवेंट बाय द परफेक्ट वुमेन टीम, दैट इज अ परफेक्ट चैम्प्स ऑफ इंडिया 2019। एंड आई रियली विश हो सकता है हम अगले साल ग्लोबली जाए, इंटरनेशनली जाए। आई वी जस्ट नीड योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट कि आप हम लोगों के साथ और इसको एनकरेज करवाओ और लोगों से जुड़वाओ ताकि हम इसको ग्लोबली लेके जा पाए और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करें बाय द परफेक्ट वुमेन प्राइवेट लिमिटेड टीम। आर्यव्रत यहाँ पे जस्ट था, वो ब्रांड एम्बेसडर है और आर्यव्रत ने अपना पोटेंशियल इसमें इस तरीके से उनका बहुत हद तक ये भी साथ रहा कि ही यूज्ड टू ट्रेन द किड्स ऑल्सो। इन्होंने खुद ने बहुत ही कम एज से बहुत ही मैच्योरिटी पाली है, तो उस हिसाब से वी डिसाइडेड लेट द चाइल्ड बी, और बच्चों को बच्चे ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते हैं। करने के लिए मेरा थोड़ा सा मुझे टफ पड़ा था क्योंकि एक्चुअली सभी बहुत अच्छा कर रहे थे, मैं सोच नहीं पा रहा किसको क्या दूं, किसको कैसे दूं। सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे, सबका बहुत अच्छा था, इसलिए थोड़ा सा टफ मुझे पड़ा, नहीं तो ज़्यादा नहीं टफ था मेरे लिए। चेन इस तरीके से हुआ कि हमने ऐड दी हुई थी सोशल मीडिया में कि जो बच्चे टैलेंटेड है या तो प्लीज़ आइए और अपना फॉर्म भरिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनके बच्चों को हमने बुलाया, काफ़ी हमने रिजेक्ट भी किए, जो हमारे बोर्ड ऑफ जजेस थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर दिए, कैंसिल भी कर दिए, कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और जो परफॉर्म कर पा रहे थे उसमें से शॉर्ट करके ये सब आपके सामने है। लेकिन इसमें उनके पेरेंट्स का बहुत हाथ रहा, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर पाए थे और उनका एक अरमान था कि हम जो नहीं कर पाए अब हमारे बच्चे की बारी है एंड दे हैव पुट इन देयर ओन पोटेंशियल के बच्चों के पीछे जो करना होगा जितनी भी मेहनत होगी वी आर देयर फॉर इट। सो ये सब बच्चे जो आज जीते हैं उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो पाता, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं।